गुड मॉर्निंग गाइस, परिवार के सभी मित्रों को मैं संदीप कुमार शुक्ला नमस्कार करता हूं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, सुबह के बज चुके हैं 8। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सारे लोगों को बता दीजिए कि भाई जल्दी से उठ जाओ, 15 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? फिर से बोलता हूँ, आज के टाइम टेबल बताता हूँ। आज सुबह 8 बजे वाली क्लास होगी, क्वेश्चन की क्लास होगी। 9 बजे आपका ट्रिक वाली क्लास आएगी, 12 बजे आपकी हरियाणा वाली क्लास आएगी। हरियाणा में मॉक टेस्ट आने वाले हैं तो सारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि वो मॉक टेस्ट सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 2 बजे रेलवे क्लास आएगी एनटीपीसी की, जहाँ पर पॉलिटी कराऊंगा। 5 बजे आएगी आपका एसएससी क्लास, जहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद 8 बजे आएगी आपकी यूपीएसआई बिहार एसआई वाली क्लास, जहाँ पर ज्योग्राफी कराऊंगा। और रात को 12 बजे आएगी हमारा जीके खजाना। ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, सारी की सारी क्लास देखना है, किसी को कोई भी क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि सब मैं अलग अलग चीज़ करा रहा हूँ, सारी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, कल मैंने 3 क्वेश्चन दिया था मैंने, तो 3 क्वेश्चन का आंसर पहले कर लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। क्लियर है? सिंपल, सभी लोगों ने बताया तो उसके लिए वेरी वेरी गुड। पीडीएफ को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है बाबू, पीडीएफ में डाल रहा हूँ। अब जो पीडीएफ में डाल रहा हूँ वो टेलीग्राम में मिल रही है, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है प्लीज़ जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। जैसे व्हाट्सअप ज्वाइन डाउनलोड करते हो वैसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है? पीडीएफ जो भी, जैसे 12 वाली क्लास की पीडीएफ डाल रहा हूँ, ये वाली क्लास की पीडीएफ नहीं डाली है। कुछ लोग परेशान हैं कि मैं सारी पीडीएफ डाल रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कुछ पीडीएफ डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पीडीएफ बनाने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा अकेला आदमी हूँ तो टाइम लगेगा। धीरे धीरे सारी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, अगला क्वेश्चन मैंने दिया था कि यह मंत्रालय, यहाँ खड़ा होता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा कि दिस इज मिनिस्ट्री विल कंप्लीटली बैन द प्लास्टिक यूजेस फ्रॉम 15 सितंबर। कौन सी मिनिस्ट्री है? या कि खाद्य मिनिस्ट्री है, कौन सा आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड है, उसने 15 सितंबर से प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच डे सेलिब्रेटेड एज तिब्बतियन डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत को किस दिन को तिब्बत लोकतंत्र के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। 2 सितंबर को तिब्बतियन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तीनों क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए, फिर से बोलता हूँ पढ़ाई कीजिए तो सिलेक्शन होगा। नौकरियों अभी ऑलरेडी कम हो रही हैं थोड़ा सा, तो इस कारण से प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ये समय है, ये गोल्डन पीरियड है, और इस गोल्डन पीरियड में अगर नौकरी नहीं लगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़ अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। दुरुस्ती, दुनिया, दुश्मनी, पॉलिटिक्स, राजनीति सब चलती रहती है, वो अलग चीज़ है। आपका सिलेक्शन होगा, पढ़ाई होगी अगर तो, और उससे ही घर चलने वाला है, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, से करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पहला क्वेश्चन क्या है आज का देखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बेस्ड ऑन द स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हुज सेकंड एडिशन हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, हाँ इसका नाम क्या आपका, लोकतंत्र के स्वर। बिल्कुल, लोकतंत्र के स्वर नाम है, मतलब टोन ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर ना? टोन ऑफ डेमोक्रेसी इस बुक का नाम है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं क्या कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों की टीम ने अब तक का सबसे बड़ा लगभग 8 मीटर कंकाल खोजा है। रिसेंटली विच टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट स्केलेटन सो फार। कहाँ के? जापान के साइंटिस्ट ने खोजा है। अभी बहुत जल्दी आप लोगों की एक नई क्लास आने वाली है जिसे मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, करंट टॉपिक वाइज कराऊंगा। दिन के 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया करूँगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बस बने रहिए साथ में। और कल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हमारे साथ में, कल काफ़ी लोगों का फोन आया था, कंटेंट के लिए रेडी हो गए हैं, कम पैसे में रेडी हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैंने एक आदमी को सब नहीं दिया, जैसे 8-10-15 बच्चे थे, सब बोलते सर मैं टाइपिंग आती, तो मैंने किसी को 5 क्वेश्चन, किसी को 10 क्वेश्चन, किसी को 15 क्वेश्चन दे दूंगा, वो मुझे टाइप करके सेंड कर दिया करेगा, तो उसके लिए धन्यवाद आपका। और इतनी मोहब्बत बना के रखेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो इस कर्ज को चुकाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जीके में तो इतना कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन विच कंट्री आर द स्टेटस ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी इंस्टॉल्ड। विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की जाएंगी? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में की जाएंगी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है कि रिसेंटली आफ्टर हैविंग 5 करोड़ फॉलोअर्स ऑन ट्विटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द ओनली इंडियन टू रीच विच प्लेस इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट फॉलोअर्स। किस नंबर पे पहुंच गए आपके? 20th नंबर पे। हाल ही में ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर, कई लोग मिलियंस में बात करते हो ना, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख में 1 मिलियन होता है, ठीक है? 10 लाख में 1 मिलियन होता है और 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। कितना? 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सही बोला मैंने, हाँ 10 लाख में 1 मिलियन बिल्कुल सही बोला मैंने, और 1 करोड़ में कितना होता है? 10 मिलियन, बिल्कुल सही बोला, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है क्या,
अगला क्वेश्चन क्या है कि राफेल नडाल हैज़ रिसेंटली वन द यूएस ओपन फॉर द फोर्थ टाइम, बिकमिंग द प्लेयर टू विन टाइटल्स देन द फर्स्ट यूएस एरा. कौन सा फोर्थ आंसर है इसका? क्या आंसर? फोर्थ इसका आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोलता है कि राफेल नडाल ने फाइनल में रूस के नादिल मदेवदेव को हराकर कौन सा अपना ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? किस नंबर का जीता है? 19th नंबर का ग्रैंड स्लैम जीत लिया है राफेल नडाल ने. कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ ये कहां से हैं, वेयर इज ई फ्रॉम, राफेल नडाल साहब कहां से हैं, जल्दी से कमेंट में बताइएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट्स क्रिकेटर एसोसिएशन हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द बीसीसीआई. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान क्रिकेट संघ. बीसीसीआई ने हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट संघ को नए संविधान की मंजूरी दी है? राजस्थान क्रिकेट संघ के. मेरा टारगेट है कि ये वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मिनट का रहे, 6-7 मिनट का वीडियो हो. चाय पीते टाइम पे, फ्रेश होते टाइम पे सुन लो, बेहतरीन तरीके से याद हो जाए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका कि पाकिस्तान की विकास परियोजना में किस देश ने $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है? लाजमी सी बात है, अमेरिका ही पाकिस्तान को पैसा देता और कोई तो देता नहीं है. अमेरिका सही आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि इन सितंबर 2019 पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेक इन इंडिया मेट्रो कोच इन. कहां पर करेंगे? मोदी जी मुंबई में मेट्रो कोच का उद्घाटन करेंगे. कहां पर उद्घाटन किया? कहां पर? मुंबई में. ठीक है, चलिए अगला. निम्नलिखित में से कौन सा शहर SCO सदस्य राज्यों के लिए सैन्य चिकित्सा के पहले सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलिट्री मेडिसिन फॉर SCO मेंबर स्टेट? इज न्यू दिल्ली. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 2 मिशन लैंडर. बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा एग्जाम में, देखना आंसर ऐसा विक्रम. विक्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्या बोलता है. अगला बोलता है कि वेन द इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेटेड. आपका अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है. क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखिए साहब, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा. 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. एक ये है कि भारतवर्ष में संघाई सहयोग संगठन SCO का भागीदार देश बना था, किस वर्ष बना था? इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने गेंडों को बचाने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके पास में, 4 ऑप्शन में एक आंसर देना है आपको. ठीक है, नेक्स्ट है कि द दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. इसकी भी ट्रिक मैंने कराई थी और इसकी ट्रिक मैं 9 बजे करा दूंगा. 9 AM वाली क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपका स्पोर्ट्स की ट्रिक कराने वाला हूँ आज, तो स्पोर्ट्स वाली ट्रिक में देख लीजिएगा. ये आंसर तो आराम से कर दीजिएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, खूब तरीके से पढ़ाई कीजिएगा. और फिर से बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करना है, मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. वादा करता हूँ आपका काम पढ़ना है, सीखना है, एग्जाम निकालना है और वीडियो को शेयर करना है. सुबह जब उठो तो एक चीज़ करो कि भाई आपका अपना चैनल, खुद का चैनल आपका है, बिल्कुल मैं सिर्फ माध्यम हूँ चैनल आपका, आप उसके मालिक हैं. तो मुझे 10 लोगों को जुड़ना है. सुबह उठे भाई, मुझे आज दिन में किसी का 10 लोगों को जोड़ना है. कहीं भी आप जाते हैं, कोई दिखा आपने मोबाइल लिया, भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे सरकार चैनल है, हमारा चैनल है, मेरा नहीं है, ये आपका चैनल. क्लियर, तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी जितनी भी क्लास आपके सामने आने वाली है सारी की सारी क्लास देखना है. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. एक और चीज़, 8 बजे वाली क्लास होगी, 9 बजे ट्रिक वाली क्लास आएगी, 12 बजे हरियाणा क्लास आएगी, मॉक टेस्ट आएगा, 2 बजे रेलवे वाली क्लास पॉलिटी पढ़ाऊंगा, 5 बजे आपका SSC क्लास जहाँ पर जो हिस्ट्री कराऊंगा, 8 बजे UPSI वाली क्लास में ज्योग्राफी कराऊंगा, 12 बजे GK खजाना कराऊंगा. सारी क्लास देखना है, कोई क्लास मिस नहीं करना. दिन में टोटल 3 से 3.5 घंटे क्लास होती हैं, 3 से 3.5 घंटे क्लास आप निकालिए GK में. 3 महीना आप मुझे दीजिए, 3 महीने में GK में मास्टर बन जाएंगे आप. बाय बाय, टेक केयर, बाय.